हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। डेथ, कुछ डेथ हो रहा है उनकी लाइफ में, कोई ना कोई रिश्ता या कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें वो स्टक थे वो डेथ हो चुका है शायद। हाँ, कोई थर्ड पार्टी रही होगी उनकी लाइफ में जिसके साथ उनके रिश्ते का डेथ हो रहा है, उनके रिश्ते का डेथ हो रहा है या डेथ हो गया है। बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया होगा, बहुत सारे लोगों का डेथ हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है वो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपको अपना इमोशन शो करना चाहते हैं। उनके झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ और अन्य लोगों के साथ, घर वालों, जो आसपास के लोग हैं उनके साथ झगड़े हो रहे हैं, जो आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल बन के आ रहे थे उनके लिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा मतलब छलक रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। वो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, वो आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए वो तैयार हैं और आपके पास आकर के अपना लव ऑफ कप शो देना चाहते हैं। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कॉल मैसेज पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। उनके जो इमोशंस हैं वो मतलब अब वो इतने ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि वो किसी के सामने भी इस विषय पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहीं फंसा हुआ है तो फंसा हुआ फील कर रहा है। तो फंसा हुआ कहीं और नहीं, वो अपनी थर्ड पार्टी के सामने, या तो फैमिली है या फिर कोई ऐसी लव पार्टनर है जिसके सामने वो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो डोमिनेटिंग नेचर की वो पार्टी हो सकती है, लेकिन वो लविंग केयरिंग भी है उनके लिए वो, या फिर उनको शो कर रही है वैसा। इस वजह से वो बंदा वो फील कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि मैं अगर इसको छोड़ देता हूँ तो ये कहाँ जाएगी, इसका क्या होगा। कहीं ना कहीं वो स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रिश्ते का डेथ होने वाला है तो वो स्टैंड लेने के लिए तैयार है आपके लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या हो। थर्ड पार्टी है, निश्चित ही है, वो सेलिब्रेट कर रही है थर्ड पार्टी, अभी किसी फंक्शन के लिए वो तैयारी कर रही है और सेलिब्रेट कर रही है, बावजूद इसके आपके पार्टनर वहाँ फंसा हुआ फील कर रहे हैं। निश्चित ही थर्ड पार्टी भयंकर थर्ड पार्टी है, वो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में है, जो कि आपके पार्टनर पे फुल दबाव रखती है, फुल कमांड रखती है, बावजूद इसके आपके पार्टनर उससे वॉक अवे करना चाहते हैं, उससे वो उसकी लाइफ से निकलना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं और आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको लेकर के सारी दुनिया की नज़रों से बचा करके आपको लेके जाना चाहते हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी कि किंग ऑफ शॉर्ट्स और क्वीन ऑफ शॉर्ट दोनों में ज़बरदस्त झगड़े, दोनों बराबर की एनर्जी रखते हैं, दोनों में ज़बरदस्त झगड़े चल रहे हैं, या फिर आप दोनों ही किंग ऑफ शॉर्ट्स और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में बने हुए हो, तो देख लो किनके साथ क्या रेजोनेट करता है। निश्चित ही टावर का कंडीशन है आप दोनों के रिश्ते में इस थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर थर्ड पार्टी के रिश्ते में आ गई है टावर, जो आपके हक में अच्छा है। हाँ, कोई एम्परर टाइप के उनके किसी किसी की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनकी बातें आपके पार्टनर टाल नहीं सकते, तो वो एक्शन लेने के लिए चाहते भी हैं, तो इस एम्परर की वजह से वो रह जाते हैं, रुक जाते हैं कि मैं कैसे करूँ, उनके खिलाफ़ कैसे जाऊँ। वो वेटिंग पोजीशन में आप लोगों में दूरियां हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आप लोग ऑफिस वर्कर हो सकते हो, एक साथ ऑफिस में वर्क कर सकते हो, तो वहाँ भी आपके खिलाफ़ बातें चल रही हैं, आप तो उनकी बातें चल रही हैं। आपके पार्टनर जो है वो अपने फ्रेंड्स से इस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं वो फंसा हुआ फील कर रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे हूँ, बावजूद इसके वो सन लेके आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और फिलहाल कंडीशन यही है। थैंक यू।